जयपुर में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में येलो अलर्ट और लू की चेतावनी जारी की है, क्योंकि विभिन्न जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में तापमान और बढ़ेगा, खासकर जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में। अगले 2 से 3 दिनों में जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि जयपुर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर सहित कुछ जिलों में तापमान पहले ही 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लू का असर लोगों के जीवन पर दिखने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर आम दिनों की तुलना में ट्रैफिक आमतौर पर कम रहता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से अब बच रहे हैं। वहीं शहर में बढ़ते तापमान और लू पर SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने कहा कि इस स्थिति में बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोग असुरक्षित हैं। देखिए, इसके लिए जो वल्नरेबल लोग हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर ज्यादा होते हैं। जो यंग लोग हैं वो बहुत, बच्चे और जो ओल्ड एज लोग हैं वो दोनों वल्नरेबल हैं, या जो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों से सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जो भी बताएं वो बहुत सीधी हैं कि आपको गर्मियों में यदि धूप से आप धूप में तेज धूप में ना निकलें, यदि धूप में निकलें तो कवर्ड होके निकलें, कपड़े जो है पूरी आसीन के कपड़े पहने, पूरी बाजू के शर्ट पहने और सिर को भी कवर करें। दूसरा, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। आप पानी काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लें, नींबू पानी या नारियल पानी जैसी कोई चीज़ हो, या थोड़ा सा काला नमक डाल के पानी पी सकें, ORS हो, जो भी हो, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट नहीं होना।